आखिर कैसे एक खूबसूरत जिनी को एक साधारण से लड़के से प्यार हो जाता है, और फिर इनके प्यार का अंत कुछ ऐसा होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। एक दिन क्रिस नाम का लड़का बीच पर घूमने के बाद बैठा होता है, तभी उसे लगता है समुन्दर में कोई डूब रहा है। अब वो लाइफगार्ड के घर की तरफ जाता है तो लाइफगार्ड के घर की खिड़की टूट जाती है। वो जल्दी से अंदर देखता है, लाइफगार्ड घर पर नहीं था। अब वो लाइफगार्ड के घर की एक टूटी हुई खिड़की उठाकर समुन्दर में चला जाता है, और जब वो उस जगह पर जाता है तो वो खुद डूबने लगता है। अब लाइफगार्ड की नज़र डूबते हुए क्रिस पर पड़ती है। अब क्रिस को समुन्दर में एक फूलदान मिलता है। तब तक लाइफगार्ड तैरकर क्रिस के पास पहुंच जाता है और वो उसे सही सलामत पानी से निकाल लेता है। चूंकि क्रिस अक्सर यहाँ आया करता था, इसीलिए लाइफगार्ड उसका अच्छा दोस्त था। अब क्रिस वो फूलदान लेकर अपने घर चला जाता है और फूलदान को अपने घर में रखकर सो जाता है। अब क्रिस उस फूलदान को साफ करने लगता है, इसीलिए वो फूलदान को जोर जोर से रगड़ देता है, जिससे आसपास बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। और कुछ ही देर में वो फूलदान चमकने लगता है और उससे एक खूबसूरत लड़की निकलकर बाहर आती है। ये खूबसूरत लड़की बाहर निकलने के बाद क्रिस से बोलती है, मैं तुम्हारी गुलाम हूँ और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी, उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। क्रिस एक सिंगर था और उसका भाई उससे सिंगिंग सीखना चाहता था, जिसकी पिछले महीने एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसी वजह से क्रिस निराश हो चुका था, इसीलिए वो इस खूबसूरत जिनी से बोलता है, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। लेकिन इस खूबसूरत जिनी के बार बार कहने पर क्रिस इरिटेट होकर बोलता है, तुम यहाँ पर बारिश करा दो, मैं बारिश देखना चाहता हूँ। क्योंकि क्रिस जिस जगह पर रहता था वहाँ कभी बारिश नहीं होती थी, इसीलिए क्रिस को लगा शायद ये बारिश ना करा पाए। लेकिन वो जिनी जादू करती है और वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश इतनी जोर होती है कि क्रिस की छत भी टपकने लगती है। अब इसके बाद वो जिनी क्रिस से बोलती है, तुम अपनी दूसरी इच्छा मांगो। तब क्रिस उस जिनी से बोलता, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो जिनी उसकी इच्छा पूरी किए बिना वहाँ से नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो उसी के साथ रहने लगती है। अब रात में क्रिस उस जिनी के साथ एक बार में जाता है और वहाँ पर दोनों जमकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जब ये दोनों घर आते हैं तो एक दूसरे का जमकर पानी निकालते हैं। अब इसी तरीके से इनके दिन गुजरने लगे थे। रोज़ रात को ये दोनों एक दूसरे का पानी निकालते और दिन भर एक दूसरे के साथ रहते। पानी निकालने के बाद जिनी उसी फूलदान में चली जाया करती थी और क्रिस बिस्तर पर सो जाया करता था। सुबह होते ही जिनी वापस आ जाती और घर के काम काज करती। चूंकि ये दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, इसीलिए जिनी को क्रिस से प्यार हो जाता है और वो अपने प्यार का इजहार क्रिस से कर देती है। और वो क्रिस से भी बोलती है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तो क्रिस बोलता है, मैं भला एक जिनी से क्यों प्यार करूंगा? इससे वो जिनी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और क्रिस के सामने ही हॉट कपड़े पहनकर क्रिस के दोस्त के साथ बार में चली जाती है और जमकर शराब पीती है। अब उसके जाने के बाद क्रिस भी घर पर जमकर शराब पीता है और उसे ऐसा लगने लगा था कि वो उस जिनी के बिना नहीं रह सकता। क्रिस की एक दोस्त थी जिसका नाम लिज था, वो पास में ही रहती थी। एक म्यूजिक डायरेक्टर के कहने पर वो क्रिस के घर आई थी क्रिस को मनाने के लिए, ताकि वो फिर से सिंगिंग करने लगे। जब वो क्रिस को इस तरह नशे की हालत में देखती है तो वो उसके लिए कॉफ़ी बनाती है ताकि उसका नशा थोड़ा कम हो जाए। अब क्रिस उसे उस जिनी के बारे में सब कुछ बता देता है और उससे बताता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इसके बाद क्रिस उस बार में चला जाता है। अब क्रिस के चले जाने के बाद लिज वो फूलदान लेकर अपने घर चली जाती है। क्रिस बार में पहुँच कर जिनी से कहता है, तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। लेकिन जिनी क्रिस से कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम यहीं पर अपनी 2 इच्छाएं मांग लो, मैं इसके बाद चली जाऊंगी। अब क्रिस गुस्से में आकर जिनी से कहता है, ठीक है, तो मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मुझे एक साधारण लड़की मिल जाए। जिनी कहती है, ठीक है, बहुत जल्द तुम्हें एक साधारण लड़की मिल जाएगी। अब जिनी क्रिस से कहती है, तुम अपनी 3री इच्छा मांगो। तब क्रिस जिनी से कहता है, मेरी 3री इच्छा यह है कि तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। इसके बाद जिनी की तबीयत खराब हो जाती है। अब क्रिस उसे लेकर घर जाता है लेकिन वहाँ पर वो फूलदान नहीं था। अब क्रिस दौड़कर लिज के घर जाता है लेकिन लिज घर पर नहीं थी, क्योंकि वो समुन्दर के किनारे थी और उसे ये नहीं पता था कि इस फूलदान से जिनी कैसे निकलेगी। उसने सिर्फ लालच में आकर वो फूलदान चुरा लिया था, इसीलिए अब अगले दिन लिज वो फूलदान क्रिस को लौटा देती है और फिर वो जिनी उस फूलदान में चली जाती है। अब क्रिस वो फूलदान लेकर समुन्दर के किनारे जाता है और उसे समुन्दर में फेंक देता है। अब चूंकि क्रिस जिनी के जाने से बहुत ज़्यादा दुखी था, इसीलिए वो रात में बीच पर ही सो जाता है। अगले दिन सुबह जब क्रिस की आंख खुलती है तो वहाँ पर भागती हुई एक साधारण लड़की आती है, जो कि बिल्कुल उस जिनी की तरह दिखती थी। उस लड़की को देखकर क्रिस समझ जाता है कि मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई है। और इसी के साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।